हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, कभी कभी नॉट कभी कभी हम लोगों को अक्सर जो है ऐसे सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं एक बार आओ तो सही, एक बार बोलो तो सही, एक बार स्माइल करो तो सही, एक बार इसे ट्राई करो तो सही, नहीं होगा तो लौटा देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? स्ट्रक्चर भले ही छोटा है बट मज़ेदार है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे जस्ट। जस्ट राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप जो भी सामने वाले को करने के लिए कह रहे हैं उसको लगाइए, उसके बाद लगाना है आपको अदर वर्ड्स। जो भी ऑब्जेक्ट आएगा आपको ऑब्जेक्ट राइट कर देना है, लास्ट में लगाएंगे वंस। वंस इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वंस के जगह वन टाइम भी यूज कर सकते हैं आप। तो आज का पहला सेंटेंस है एक बार आओ तो सही, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे जस्ट कम वंस। जस्ट कम वंस या नहीं तो जस्ट कम वन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार बोलो तो सही, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे जस्ट स्पीक वंस। जस्ट स्पीक वंस या नहीं तो बोल सकते हैं इसको और भी जोर देने के लिए जस्ट स्पीक अप वंस। जस्ट स्पीक अप वंस। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार मुस्कुराओ तो सही, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे जस्ट स्माइल वंस। जस्ट स्माइल वंस आपको सिर्फ इतना बोलना हो, मुस्कुराओ तो सही, इसके लिए बोलेंगे जस्ट स्माइल। जस्ट स्माइल। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार इसे ट्राई तो करो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे जस्ट ट्राई इट वंस। जस्ट ट्राई इट वंस। हे गाइस, इसे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।